प्राकृतिक जड़ी बूटी से परिपूर्ण राज्य है। आज मैं एक ऐसे ही जड़ी बूटी का उल्लेख करने वाले हैं जिसका नाम है इंद्रजौ। इतना ज्यादा हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है और कारगर हैरानी होगी कि ये डायबिटीज का दुर्लभ औषधि है। लातेहार जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर नावाडी गांव स्थित है, जहां चेर राजाओं का नारायणपुर का किला स्थित है। यह किला एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है और यह पहाड़ी जड़ी बूटियों से परिपूर्ण है। शोध के लिए जब हमारी टीम नारायणपुर किले की पहाड़ी पर पहुंची तो शोधकर्ताओं के द्वारा एक ऐसी ही अनमोल जड़ी बूटी की खोज की जिसे इंद्रजौ कहते हैं। इंद्रजौ एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो मधुमेह रोगियों के लिए रामबाण है। बाजार में इसकी कीमत काफी है। आज मैं ऐसे ही चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाले हैं। इंद्रजौ का पौधा एक जंगली पौधा होता है। इसका पौधा 5 से 10 फीट ऊंचा होता है। यह लातेहार के नारायणपुर किले के पहाड़ी पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। चेरों राजाओं को इस औषधीय पौधे का गुण पता था, जिस कारण नारायणपुर किले के पहाड़ी के आसपास इस पौधे को लगाया गया। स्थानीय लोग इस पौधे के गुण को नहीं जान रहे हैं और इसे जंगली पौधे समझ रहे हैं। इस पौधे के गुण के बारे में फिल्म जगत के जाने माने चेहरा राइटर एवं डायरेक्टर वरदराज स्वामी जी ने बताया। अगर बाजार में जाएंगे तो 1000 रुपए केजी से ज्यादा कम से कम मिलेगा। इस फली में जौ की तरह के पतले पतले दाने निकलते हैं और ये दाने आप समझ सकते हैं कि ये इतना ज्यादा हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है और कारगर है कि हम इसको मामूली सा पौधा समझ करके और इसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कुछ होगा जंगल में ऐसे ही। पर ये इसके बारे में बताऊंगा तो आप सबको जान करके हैरानी होगी कि ये डायबिटीज का दुर्लभ औषधि है। अगर किसी को इंसुलिन भी लग रहा है और टाइप 2 डायबिटीज भी है तो भी अगर इस इंद्रजौ को लगातार हम उसको देते रहे तो ये बिल्कुल कंट्रोल कर देगा और कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति है वो नॉर्मल होगा। डायबिटीज होगी, ब्लड में शुगर होगा या फिर यूरिन में शुगर होगा, पर उसके बाद भी ये है वो उस व्यक्ति को कम से कम उतना क्रिटिकल जोन में नहीं जाने देगा। और ये किडनी के लिए भी बहुत बढ़िया औषधि है। अगर इसको खाली पेट सुबह सुबह लिया जाए, इसके दाने को रात में भिगो करके सुबह सुबह लिया जाए तो ये किडनी के लिए बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत औषधि है। और जब हम समझ सकते हैं कि ये ब्लड फिल्टर का काम करता है, हमारे शरीर में जो रक्त शोधक जो वाहिनियां हैं उसको ये फिल्टर कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इंद्रजौ को हम रोज नित्य 10 दिन 15 दिन या 90 दिन तक, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में कि 90 डेज तक हम ले सकते हैं, तो इसको अगर रेगुलर 90 डेज तक लेंगे तो ये क्या करेगा कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल कर देगा और हमारे किडनी को फिल्टर कर देगा। हमारे किडनी में जो कुछ भी गड़बड़ी होगी, डायलिसिस भी होने की स्थिति होगी तो उसको कंट्रोल कर देगा। और तीसरी चीज करेगा कि जब इन तीन दोनों चीजों को ठीक करेगा तो हमारे हार्ट में जो भी ब्लॉकेज होंगे या कोलेस्ट्रॉल का मात्रा होगा उसको भी कंट्रोल करेगा। ये इंद्रजौ एकदम बेहद ही मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी औषधि है। और मेरा सुझाव है कि अगर जिस किसी व्यक्ति को मिल जाए या किसी दुकान में औषधालय में मिल जाए तो इंद्रजौ ले करके कम से कम 20 दिन 25 दिन नॉर्मल व्यक्ति भी खा सकता है, यूज कर सकता है। अब देखिए ये कैसा है कि प्रकृति के साथ कैसा खेल है कि जो चीजें जितनी जरूरी है मनुष्य के लिए उसको उतनी ही ज्यादा मात्रा में दिया है। जैसे बात करते हैं कि हमें हवा की जरूरत है तो बहुत ज्यादा मात्रा में और फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आता है पानी, तो पानी की जरूरत है तो पानी को आज हम बोतल में बंद करके बेच रहे हैं लेकिन पानी भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है नेचर ने। उसी तरीके से औषधि में भी जिस औषधि की सबसे ज्यादा जरूरत है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा मात्रा में फलता है और बहुत ज्यादा निकलता है। और ये हर आदमी को, इवन जानवरों को भी ये दिया जाता है, बुखार या उस तरीके की बीमारी हो जाती है तो उसको जानवरों को भी पीस करके दिया जाता है। ये इंद्रजौ
आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि इसका एक बार यूटिलाइज करने के लिए। और ये देखिए ये कैसा होता है, ये देखिए ये फल जो है वो पक करके इसमें से फट गया है और बिल्कुल इसमें से जौ के दाने की तरह निकल दिखाई दे रहा है। ये फल तो निकल गया है, अभी हम लोग इसको ढूंढेंगे या इसको तोड़ करके मैं दिखाऊंगा कि इसमें से फल कैसा निकलता है। लेकिन ये सूखे हुए फली में से ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल ये जौ के अंदर जौ जो होता है, जो हवन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे भारतीय परंपरा, सनातनी परंपरा में, उसमें तो ये उस तरीके से दिखाई दे रहा है ये इस फल में से। और हर फल में से करीब करीब 20 से 25 दाने निकलता है। अभी हम इसको तोड़ देंगे और तोड़ करके देखेंगे कि इसके भीतर से कैसा निकलता है। बहुत आसान सा तरीका है ये, बहुत ऐसा क्रिटिकल नहीं है। एक बार ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये फट जाएगा और फट करके बीच से खुल जाएगा। ये देखिए ये खुल गया। अभी इसमें दाना हुआ नहीं, ये धीरे धीरे ये देखिए इसमें से ये देखिए जौ की तरह का ये दाना, ये देखिए जस्ट जौ है एकदम। ये मैं हथेली पे लेकर के आप, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे साथ आनंद जी हैं, आप दिखाइए जरा सा दर्शक को कि कैसे ये दिख रहा है जौ की तरह बिल्कुल। और इसमें इसी तरीके से जौ की तरह ये दाने सारे दिखाई, ऐसे आपको धान के बाल की तरह दिखाई, धान के की तरह दिखेगा। लेकिन ये जब पक जाएगा तो बिल्कुल आप हाथ में लेकर के भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये जौ है या कुछ और है। जैसे हम लोग किसी और फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं तो जिस तरीके से पैक करता है उस तरीके से ये देखिए पैक किया हुआ है, रुई की तरह अंदर में डला हुआ है। और उस रुई के अंदर में ये देखिए रुई की तरह रेशे में पैक किया हुआ है, ऐसा रेशा में। तो देखिए प्रकृति कितना वो किया है, हमें लगता है कि हमने कोई खोज किया, किसी ने कुछ भी खोज नहीं किया है। प्रकृति की लैंग्वेज है, हम उसको समझ सकते हैं। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप सब इंद्रजौ प्रयोग कीजिए और लोगों को भी बताइए, ये डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि है। थैंक यू।